बहुत वड्डे जिहड़े साढ़े आर्टिस्ट ने जिन्हां जिन्हां दा नाम लै के जिन्हां दा जिक्र होवे ते लोग उन्होंने सल्यूट करते हैं। मुहम्मद जावेद साहब उन्होंने मैं दिलों एक उन्हों का एक ऑनर भी करनी हाँ और सारे मेरे हाले जितने लोग जानते हैं उन्होंने वो समझते हैं हमने तस्वीर तकिया ने ते आज दी नुमाइश जिहड़ी है ये जनाब नदीम कुरैशी साहब स्पैशली मुल्तान तो तशरीफ लै रहे हैं क्योंकि मुल्तान गए हुए सन। मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि मैं हर हाल च पहुँचागा। मिला की पूरी टीम का कि जिन्होंने बिलखसूस अगस्त के इस महीने में जावेद साहब की इन पेंटिंग्स की नुमाइश की और सिविल सोसाइटी से भी और शहर भर की बड़ी बड़े जहीन और फतीन लोग जो चीज़ों को समझते हैं मौजूद हैं, मीडिया के लोग भी मौजूद हैं और मैं समझता हूं कि जावेद साहब की ये पेंटिंग्स चूँकि 14 अगस्त की आमद आमद है, यौम पाकिस्तान, आज़ादी का दिन, और इनकी पूरी पेंटिंग्स में जो मैंने मैसेज लिया हिस्ट्री के एक स्टूडेंट के और पाकिस्तान के एक स्टूडेंट के और पाकिस्तान के लवर की हैसियत से कि इनकी पेंटिंग्स में हमें इस्लामिक कल्चर भी नज़र आया और साथ साथ पाकिस्तानियत भी हमें ये बताती है कि हमारा जो चीज़ हमारे लाशऊर में होती है वो जब शऊर तक मुंतकिल होकर हम लोगों के सामने पेश करते हैं तो वो बताती है कि इंसान किन चीज़ों से प्यार करता है, वो किन चीज़ों के गिर्द अपने आप को कायम रखते हैं और कौन सी चीज़ें उस पर उसके लाशऊर पर और शऊर पर हावी रहती हैं। और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का विजन है, वो यही है कि हम अपने कल्चर को फ़रोग दें और एक एक तस्वीर बोलती तस्वीर है, वो मस्जिद नबी की तस्वीर हो, वो इन्होंने पूरी कायनात के ऊपर जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की पेंटिंग की और दिखाया कि पूरी कायनात अल्लाह का शुक्र अदा करती है, तो मैं समझता हूँ बड़ा शानदार पैगाम और साथ साथ जावेद साहब बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन के और मुबारकबाद के मुस्तहिक बुज़ुर्ग भी हैं, बहुत बड़ा नाम है इस मुल्क का और मैं इनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि इन्होंने अपनी पेंटिंग से अपने कश्मीरी बहन भाइयों को भी ये पैगाम मोहब्बत दिया कि पाकिस्तान का आर्टिस्ट, पाकिस्तान का पेंट से प्यार करने वाला, पाकिस्तान का पोइट, पाकिस्तान का अदीब, हर वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा हुआ है वो अपनी सोच से, अपने फिक्र से अपने उन बहन भाइयों को ये पैगाम देता है, मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों को, कि हमारी हमारे दिल आपके साथ धड़कते हैं। बहुत अच्छी लगी है एंड द कलर पेंटिंग्स, हर एक पेंटिंग बोल रही है, सर ने बहुत अच्छा काम किया है ते अगे 14 अगस्त आ रही है ते आज़ादी अमन दे नाल मनाओ। अस्सलाम वालेकुम पैनो ते प्रावो, मेरी तरफो मेरा नाम मोहम्मद साकिब जमील है ते मैं इत्थे बाय प्रोफेशन IT स्पैशलिस्ट हैगा ते अमरीका रहना ते अज एग्जीबिशन च आया इत्थे ते 14 अगस्त भी आ रही है ते सारयां नूं आज़ादी दा बहुत बहुत मुबारक होवे, अल्लाह करे साडा मुल्क जिहड़ा इस तरह ही आज़ाद रहे ते असीं सारे जिहड़े इहदी तरक्की वास्ते काम करते रहिए।